हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार मैं ज़ू आया हूँ, कानाजावा ज़ू। 2 घंटे लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में, लेकिन यार ये तो एकदम बंद लग रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी हालत ख़राब हो गई है, ये भी नहीं पता कि ज़ू खुला है कि नहीं है। वहाँ एक जगह लिखा तो था वेलकम टू द ज़ू, अंदर के अंदर कोई है ही नहीं। वहाँ जाना है मुझे, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। एकदम सन्नाटा, कोई है ही नहीं यार। ये तो सामने का व्यू देखो, पहाड़ी चढ़ के यार इतना ऊपर आ गया मैं, अभी भी ज़ू नहीं आया। तो ज़ू के लिए देखना पड़ेगा। मैप तो कहता लेफ्ट में है, कुछ तो मैप कह रहा है, तो देखते यार। एक तो इनके मैप नहीं समझ आते, बट लग रहा है जैसे ये एंट्रेंस है, झोपड़ी बनी ना और मैं यहाँ पे हूँ। हाँ यार, एंट्रेंस तो वही लग रही है, लेकिन यार ऐसा क्यों यार। 9:30 से 4:30 का टाइम है, 12:30 हो गया अब मिला ये जाके कानाजावा ज़ू, वो भी पता नहीं खुला है कि नहीं खुला। और इसके इधर पार्क भी है, एक खुला तो लग रहा है यार। इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, और 500 की टिकट है, 500 की टिकट है, 1000 का तो इन्होंने मूड ख़राब कर दिया। पैसे डाले इसमें, प्लीज डाल दिया है। टिकट प्रिंट हो रही, सिक्का आ जाएगा। 500 का सिक्का आया, आ गया मेरे पास। चलो आगे, पता नहीं दिखाना है कि नहीं दिखाना। अरे तो वैसे चलो भाई, अब ज़मीन पे बैठा हूँ मैं, अब कैमरा निकाल लूँ, क्योंकि यार मुझे आधा घंटा लग गया कम से कम ऊपर पहाड़ी तक पहुँचने में। इतना भी क्या था यार, ज़ू का इतना ऊपर बना दिया यार। बंदा थक जाए ज़ू आते आते, फिर देखेगा क्या। आज भी मैं यही यूज़ करूँगा अपना 70-200, और कैमरा मेरा वही है 7D Mark II। बस अब सेंसर हल्का सा, सेंसर नहीं शीशा हल्का सा गंदा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं। बस अब आप लोग को आगे दिखाता हूँ, मैं पूरा ज़ू दिखा सकता क्योंकि ज़ू ज़्यादा भरा नहीं है, खाली खाली सा लग रहा, पर ठीक है, वही तो अच्छी बात है। और ज़ू एक्सप्लोर करते हैं। बस थक गया यार बहुत ज़्यादा। वहाँ पे स्कूल का ग्रुप आया हुआ है बच्चों का, और ये इन्होंने कुछ बढ़िया तरीके से गार्डनिंग की हुई है। एंट्रेंस में इन्होंने डायनासोर लगा रखा है, तो देखते हैं। बाकी उधर तो बच्चों का पार्क है, डायनासोर पता नहीं किधर है। मिल गया, सो रहे यार, छोटा लाल सो रहा है, सही लग रहा है। ये देखो, ये अरेबियन ऑरिक्स है ना, ऑरिक्स अरेबियन, ये उसका इन्होंने ढांचा भी लगाया हुआ है मुंह का, कि सींग कैसे होते हैं इसके। सही है। और वो सामने है, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं गोप्रो में। ये है ओकापी। ओकापी मैंने सिर्फ जापान में देखा है, और मैं मतलब ज़ू तो मैं बहुत गया हूँ, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन मैंने ओकापी है ना सिर्फ जापान में देखा है। ये रखो, ये है, ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चेयर लगाई है ना, देखो चेयर के नीचे ना कॉस्को की बॉल लगा रखी है, ताकि सॉफ्ट रहे। पता नहीं किस लिए, निशान ना पड़े या किस लिए, ये नहीं पता। ये देखो बॉल लगा रखी है चारों पाँव के नीचे। और ये देखो, ये है कोकाबुरा, ये बैठी है कोकाबुरा। ये क्वाला का रूम है। आज मैं
पहली बार देख रहा हूँ कि एक क्वाला कम से कम जगा हुआ है, वरना यार क्वाला ये ना सोते रहते हैं पूरा टाइम। चलो अब इसकी फ़ोटो खींचता हूँ। ये देखो, ये है वाला भी। अभी मैं कौन से ज़ू गया था, एदोगावा ज़ू गया था ना, अगर आप वहाँ भी देखोगे तो वहाँ भी वही वाला भी थे, लेकिन ये छोटे हैं, ये बच्चे हैं। तो वाला भी वही है, सेम सेम चीज़ है कि कंगारू नहीं है, लेकिन हाँ कंगारू की एक स्पीशी कह सकते हैं, क्योंकि ये चलते वैसे ही हैं कंगारू की तरह ना। तो इधर तो वलाबी के बच्चे लग रहे हैं। चलो सही है, जू बहुत साफ सुथरा है यार। जापान ना इसीलिए अच्छा है यार, मतलब है तो काफ़ी कारण के लिए, बस इंग्लिश अगर आ जाती है इन लोग को तो स्वाद आ जाता है यार। यार मैं ना कंगारू को उधर से जूम कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि ये कंगारू दूर है और अंदर ऐसी सड़क क्यों बनी है। जब तक मैं सोच रहा था तब तक ये स्कूल के बच्चे अंदर ही घुस गए, तो ये तो मुझे भी वो हो गया कि भाई फिर तो मुझे भी अंदर जाना चाहिए। तो अब और स्कूल के बच्चे अंदर जा रहे हैं, तो बस मैं भी जाता हूँ अंदर, ये लोग आगे निकल जाए, मतलब ये अच्छी चीज़ है। तो यार मैं कंगारू के पिंजड़े में ही आ गया हूँ जहाँ कंगारू रहते हैं। ये देखो देखो मेरे पीछे बैठे हुए कंगारू। इससे लग रहा है कि ये मारते नहीं होंगे, मतलब वो नहीं करते होंगे, क्या कहते हैं, लड़ाई वड़ाई नहीं करते होंगे इंसानों से, फ्रेंडली जानवर है लग रहा है। देखो कैसे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे जा रहे हैं अंदर, कोई उनको वो नहीं है। इसको देखो छोटे लाल को, ये देखो ये यहीं बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्रेन है वो बाहर नहीं आएगी, इसमें लिखा है वी कांट मेक हिम टू गो आउटसाइड बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड बर्ड डिजीज। हाँ मैंने सुना तो है ये कुछ डिजीज वगैरह चल रहा है चिड़ियों में, तो चलो क्रेन तो नहीं आएगी, अब पहाड़ी के और ऊपर चलते हैं, बस ऊपर ही ऊपर चलते जाना है। बताओ कैसा लग रहा है, लैंडस्केप अच्छा है, पेड़ ही पेड़ हैं, और सामने बहुत दूर समंदर है। गोपरों में आएगा नहीं पर मुझे तो यहाँ से दिख रहा है। ये देखो यार, हालांकि ये खाली जगह है, यहाँ कोई है नहीं, पाइपें लगी हुई हैं नल हाथ धोने के लिए, पीने का तो पानी मुझे नहीं लग रहा है। ये देख लें जरा पानी आ रहा है कि ऐसे ही लगाया शो के लिए। बहुत बढ़िया भाई आ रहा पानी, थोड़ा वेस्ट हो गया लेकिन आ रहा है, टेस्टिंग करनी थी। अब ये देखना है कि ऊपर कहाँ तक जाना है, क्योंकि यार ये पहाड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही, बस ऊपर जाते रहो जाते रहो। अच्छा ये जो केज है ना ये अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को तोड़ के ना वैसे बनाया है, और फिर बीच में ना जाली लगा दी है। तो देखो सामने से बकरी आ रही, बकरी है बकरा जो भी, ये देखो। तो ये सही है यार, मतलब ये पहाड़ के ऊपर ही बनाया है और सही लग रहा है, बस और ऊपर चलते हैं। ये भी देखो वैसे पत्थर वत्थर लगाए हुए हैं और उस तरीके से बना है। ये है जैपनीज सीरो, ये भी भेड़ जैसा है लेकिन जैपनीज है। जूम करके दिखाता हूँ मैं, आप ही देखो वापस आएगा ना। ये देखो ये है भेड़ जैसा ही लेकिन जैपनीज है। ये शायद इंडियन हाथी है, इसके दांत देखो ज़मीन तक आ रहे, इतने बड़े दांत हैं, बाप रे बाप। वो भी फीमेल है, फीमेल लग रही। तो ये मारा है ना पैथागोनियन कैवी, मुझे लगता है ये कैपीबारा और खरगोश का ना थोड़ा सा मिक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पता नहीं। खैर यहाँ है नहीं और अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, तो शायद इस वजह से जानवरों को अंदर रख दिया गया। बस और फिर यहाँ से अब नीचे उतरने का रास्ता है, और सबसे ज़बरदस्त जगह ये है कि यहाँ पे सकुरा के फूल आ चुके हैं। मेरे ख्याल से जू सिर्फ इतना ही था और मैंने पूरा कवर कर लिया, पर आगे देखते हैं अगर कोई एनिमल मिसिंग है। वैसे मैंने मकाक नहीं देखे और बंदर तो मैंने देखे, लेकिन
हाँ दूसरे गिबन देखा है मैंने, लेकिन दूसरा बंदर नहीं देखा अभी तक, तो जरा चल के देखते हैं। भाई ये है सकुरा की शुरुआत। अब मैं समझ गया वो कौन सी फोटो खींच रहे हैं। उसमें ना छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, लोगों ने ट्राईपॉड लगाए हुए हैं, फिर वो फोटो खींच रहे हैं। पिंक वाले फ्लावर्स में ना छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं। चलो मैं भी नीचे जाके ज़रा खींचता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। ये जो है ना, ये सकुरा फ्लावर्स हैं, ये जापान में 2 ही हफ्ते तक आते हैं, 1-2 हफ्ते तक। तो इस बार मैंने, मतलब ये तो मुझे जू में ही दिख गए, तो मैं यहाँ खड़े होके मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं वैसे तो। जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में मेरी ये जो फ़ोटोज़ हैं ना, जो मैंने खींची हैं, ये सारी फ़ोटोज़ आएंगी। चलो अपनी जू की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कौन से एनिमल्स बच गए, बस उनको निपटाते हैं फिर चलते हैं। ये तो सारा बकरियों का बाड़ा है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल्स है। उधर भी देखो नीचे बकरी है, वो बकरी है सामने। यहाँ से व्यू एकदम अलग आता है यार। नीचे देखो बिल्डिंग्स है, सामने वो ब्रिज है, मेरे ख्याल से पोर्ट है सामने, और फिर उसके पीछे सारा समंदर। ज़बरदस्त है। और इधर झाड़ियाँ हिल रही हैं, वो जैसे जुरासिक पार्क में था ना, एकदम से झाड़ी हिलती है, वैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन जुरासिक पार्क के नाम पे यहाँ सिर्फ छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं। ऊपर आएगी तो दिखेगी, लग तो रहा है कि पास आ गई गिलहरी, आ गई पास। ये देखो वो चढ़ गई ऊपर, ये देखो ओ गिलहरी। वो देखो वहाँ से दूसरे पेड़ पे जाएगी, वहाँ से नीचे आ जाएगी। बस गिलहरी और इसकी दास्ता सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक है। ये जो सामने है ना, ये है कैपिबारा। ये तो मैंने शायद उसमें भी दिखाया था, वो जो मेरा मैक्सेल शिनागावा एक्वेरियम था ना, वहाँ भी था ये कैपिबारा। पहले मुझे लगा ये जो बकरी है नकली है, क्योंकि काफ़ी देर से मतलब स्टैचू की तरह खड़ी थी। फिर मैं पास आया ना, तब इसने जब अपनी मुंडी हिलाई ना इधर उधर लेफ्ट राइट, तब मुझे लगा भाई यार ये तो असली है। यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, या लेपर्ड कुछ ऐसा, या वाइल्ड बर्ड्स हो, वो नहीं है। बर्ड्स तो खैर है ही नहीं, बर्ड्स तो उन्होंने सारी हटा दी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कुछ डिजीज़ चल रही है, तो इस वजह से उन्होंने हटा दी है। और बाकी तो कोई वो नहीं है, मतलब वाइल्ड एनिमल कोई है नहीं, तो फिर उस हिसाब से जू ठीक है। आई मीन 500 येन जो टिकट है वो ठीक है, और पहाड़ों में बना है, बहुत साफ़ है जू, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो अच्छा जू है। अभी मैं बस वापिस आते वक्त ना, एक वो छोटा सा रूम टाइप का था वहाँ गया था, तो वहाँ पे सांप वगैरह थे 3-4, लेकिन वो सब छुपे हुए थे, वो ढंग से दिख नहीं रहे थे। और कुछ मेढक वगैरह थे, वो भी नहीं दिख रहे थे ढंग से, छुपे हुए थे, तो वहाँ उतना मज़ा नहीं आया। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उस तरफ से आया था, फिर मैं इधर आया तो ये कनाजावा ज़ू है, यहाँ से अंदर गया था, अब मैं नीचे यहाँ से जाऊँगा। तो ये देखो कितना सटीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो इतने सारे फूल हैं, ये वो, और नीचे वो स्लाइड बनी बच्चों की, और वो पूरा शहर नज़र आ रहा है। यहीं से जाऊंगा नीचे, कॉफ़ी पी लूँ बस।